ओके बेटा, आज हमने देखना है कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। इसकी हमने डेफिनेशंस को ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, क्या है, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड। एक बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी? इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ़ अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। डेफिनेशन में बेसिकली सिर्फ एक वर्ड का चेंज है, स्पीड की उन्होंने वेलोसिटी कर दी, बाकी सारे डेफिनेशन सेम है। अब इट इस बेसिकली बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अब रिज्यूम करो कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। और मैंने इस एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। और रिज्यूम करो कि पॉइंट ए को, अब रिज्यूम करो कि ये लाहौर है और पॉइंट बी मेरे पास इस्लामाबाद है, ठीक है। हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, हम मोटरवे पे जा रहे हैं, हम एक कांस्टेंट स्पीड से, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कांस्टेंट स्पीड जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं? हमें इसी तरह से पता चलेगा ना कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। इस बात का मतलब क्या है, इस जो इन्होंने वर्डिंग लिखी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि हमने सबसे पहले इस पूरे के पूरे पाथ को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। अज्यूम करो कि बेटा जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस इस पैच का है, उतना ही इस पैच का, उतना ही इस पैच का, उतना ही इस पैच का, उतना ही डिस्टेंस इस पैच का। इसका मतलब ये है, इस वक्त मैं इस पूरे के पूरे डिस्टेंस को लाहौर से इस्लामाबाद के या पॉइंट ए से पॉइंट बी के डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स में, इक्वल डिस्टेंसेस में इसको डिवाइड कर चुका हूँ। अब एज्यूम करो मैं एक बॉडी या एक गाड़ी यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करती है। एज्यूम करो वो बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मिनट्स में पहुँचती है। अब अगला इंटरवल जब यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करती है तो अगेन 15 मिनट्स में पहुँचती है। अगला डिस्टेंस अगेन 15 मिनट्स में पहुँचती है, उससे अगला इंटरवल अगेन 15 मिनट्स, अगले में फिर 15 मिनट्स, 15 15। इसका मतलब ये है कि पहले आप ये इस्टेब्लिश कर चुके थे कि हर इंटरवल जो है वो एक जैसे डिस्टेंस का है। रिज्यूम करो 5 किलोमीटर का ये इंटरवल है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर था, ये भी वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस है, ये भी 5 किलोमीटर था, ये भी 5 किलोमीटर था, ये भी 5 किलोमीटर, सो ऑन। तो इक्वल इन डिस्टेंसिस को अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो बेटा इसी हिसाब से यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी जो इक्वल इंटरवल जहाँ पर हर 15 मिनट बाद जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, अगला 15 मिनट में जो डिस्टेंस कवर हो वो पिछले 15 मिनट के डिस्टेंस के इक्वल है, तो इसलिए बेटा इस बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इफ अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। अब इस बात का क्या मतलब है, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, कि हम चाहे कोई डिस्टेंस बड़े, अब मैंने 15 15 मिनट का इंटरवल लिया है, अगर मैं कोई छोटा इंटरवल भी लूँ, चाहे 1 सेकंड का इंटरवल लूँ, चाहे वह हाफ सेकंड का इंटरवल लूँ, लेकिन जितना भी इंटरवल लूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी ने मूव करना है, मैं इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल बॉडी यहाँ से यहाँ तक आधे सेकंड में, 0.5 सेकंड में ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी अगर बॉडी को 0.5 सेकंड ही लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगेन 0.5 सेकंड ही लग रहा है, तो इस डिस्टेंस को भी 0.5 सेकंड में ट्रैवल कर रही है बॉडी, इतने से डिस्टेंस को भी 0.5 सेकंड में ट्रैवल कर रही है। मतलब हर इंटरवल बॉडी हर इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी पूरा कर रही है तो बॉडी की स्पीड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, चाहे इंटरवल 15 मिनट का हो, चाहे आधे मिनट का हो, चाहे आधे सेकंड का हो। और यही कॉन्सेप्ट बेटा सिमिलरली एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, कि अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, चाहे छोटा इंटरवल है चाहे बड़ा इंटरवल है, लाइक इसका डिस्प्लेसमेंट इतना बनेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ये बनेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ये बनेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ये बनेगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये वाले डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल हैं, तो अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है तो उस केस में भी क्या होगा, तो उस केस में बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी।